मैं हूँ शबनम सिंह, स्वागत है हमारे किचन में। आज मैं बना रही हूँ मिसल पाव। महाराष्ट्र में मिसल पाव बहुत खाया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। नासिक में पसंद किया जाता है, पुणे में भी बहुत पसंद किया जाता है, और नाश्ते में बहुत अच्छे से ये मिसल पाव खाया जाता है। प्याज और सूखा नारियल को मैंने भून कर पेस्ट बनाया। दो टमाटर का पेस्ट बनाया है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची और कोथमीर का पेस्ट बनाया, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, कलर वाला लाल मिर्च, तीखा लाल मिर्च, जीरा एक टेबल स्पून, थोड़ा सा दालचीनी, 4 से 5 लौंग, इलायची को कूट लिया है, हल्दी है, ये मटकी है, इसको नमक और हल्दी डाल के मैंने 20 मिनट बॉईल किया है। कोथमीर गार्निश के लिए हरी मिर्ची लिया है, फ्राई के लिए टमाटर है एक छोटा प्याज लिया है, कड़ी पत्ता लिया है फ्राई करने के लिए। चलो बनाना चालू करते हैं। चलो बनाते हैं मिसल। कढ़ाई को गर्म करेंगे। थोड़ा इसमें ऑयल डालूंगी। थोड़ा जीरा डालेंगे। दालचीनी, लौंग, इलायची, इसको अच्छा फ्राई करेंगे। थोड़ा हरी मिर्च डालेंगे। कड़ी पत्ता डालूंगी। थोड़ा प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा फ्राई करेंगे। थोड़ा टमाटर डालती हूँ, टमाटर को भी अच्छा फ्राई होने देंगे। ये मिसल डाल के थोड़ा इसमें फ्राई करती हूँ। ये पानी मैंने मिसल का तरी बनाने के लिए रखा है, इसको सिर्फ फ्राई करके मैं अलग से निकाल लूंगी, फिर इसकी तरी बनाएंगे। थोड़ा नमक डालती हूँ। वैसे मैंने बॉईल करने में थोड़ा नमक डाला हुआ है, लेकिन टेस्ट के हिसाब से थोड़ा डालती हूँ। ये तैयार हो गया, अभी मैं इसको निकालती हूँ। अभी तेल बहुत अच्छे से जाएगा, इसकी तरी
तेल ज्यादा डालने से होती है, कुछ तिरम बोलते हैं, कोई तरी बोलता है, तो चलो अपन तरी बनाते हैं। थोड़ा जीरा डालूंगी, ये हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, थोड़ी कोथमीर भी डाला है। ये बहुत तीखा बनता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत शौक से लोग खाते हैं इसे। ये सब नाश्ते में बहुत अच्छे से पसंद करते हैं और अच्छे से खाते भी है। ये प्याज और सूखे खोबरे का पेस्ट है। मिसल की अलग अलग वैरायटी रहती है, कोई सूखा बनता है, कोई रोटी के साथ भी खाया जाता है, कोई कड़ी के साथ भी खाया जाता है। ये मैं मिसल पाव के साथ बना रही हूँ, मिसल पाव बना रही हूँ। ये मैं टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ, हल्दी 1 चम्मच है, थोड़ा धनिया 1 चम्मच धनिया है, एक तीखा मिर्ची है, एक कलर वाला मिर्ची है, रेशम पट्टा कलर वाला है। दो तरह की मिर्ची इसलिए डाली जाती है, एक तिरंग के लिए डाली जाती है, एक तीखा टेस्ट के लिए डाला जाता है। थोड़ा ही पानी के नीचे एक रेड बटन होगा, अगर वो रेड है तो उसको क्लिक करो, उसको ग्रे बनाओ और उसके बाद में बेल बटन आएगा उसको क्लिक करो और ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करना मत भूलना, लाइक कीजिए। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम हमारी फैमिली को ग्रो होने Right. अच्छा, मैं ये मिसल को जो बॉईल किया था मैंने उसका पानी इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा नमक डाली, यानी तो अभी से ही यम्मी लग रही है। तो खाने के बाद कितनी यम्मी लगेगी, बहुत है। मिसल भी बहुत तरीके की बनती है, कोई काले मसाले की बनाता है, कोई लाल मसाले की बनाता है, कोई सिर्फ कच्चा प्याज डाल के ही बनाता है। देखिए मैंने लाल मसाले की बनाई हुई, हरे मसाले की भी बनती है। थोड़ा प्याज या पानी डालेंगे, ये जो ग्रेवी रहती है ये पतली रहती है, पतली इसलिए रहती है मिसल के ऊपर डाल के पाव के साथ अच्छे से खाया जाता है। इसको कम से कम 5 मिनट लगेंगे अच्छी तरी ऊपर आने के लिए। देखिए तरी हल्के हल्के आ रही है, ये देखिए तरी आ रही है। थोड़ा इलायची का पाउडर डालती हूँ खुशबू के लिए। 5 मिनट अच्छे से पकने देंगे, फिर देखिए उसमें कितनी अच्छे से तरी आती है। पांच मिनट हो गए हैं, नानी आप एक्सप्लेन करो क्या करना है। ये तरी बन गई है, अभी हम अलग इसमें निकालते हैं और गैस में बंद करती हूँ। तरी तेल से बनती है, ये देखिए ये तेल आ गया है, मैं इसमें निकालती हूँ। अभी ग्रेवी में इसमें निकालती हूँ, सबसे बड़ा
मिसल पाव का रोल तरी होती है। ये जो है इसका स्वाद भी इतना बढ़ता है ये डालने से, मिसल में बहुत अच्छा लगता है। गार्निशिंग में कोथमीर डालूंगी। हमारी मिसल तैयार हो गई है। सर्व करने का तरीका भी अलग होता है, चलो मैं बताती हूँ कि कैसे मिसल सर्व किया जाता है। ये थोड़ी मिसल को फ्राई किया है मैंने, फिर ये ग्रेवी डालती हूँ। प्याज डालती हूँ, थोड़े टमाटर, थोड़ी कोथमीर, थोड़ा चूरा डालेंगे। ये तरी डालेंगे, थोड़ा दही डालेंगे। दही का भी बहुत अच्छा रोल होता है और बहुत पसंद भी किया जाता है दही डाल के। थोड़ा नींबू डालेंगे। मिसल पाव तैयार हो गई है, चलो टेस्ट करते हैं। चलो जारा मैं आपको टेस्ट कराती हूँ। चलो मैं भी टेस्ट करती हूँ। मिसल पाव बहुत अच्छा बन गया है, आप भी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और उनको खुश कीजिए। चलो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को रिंग करना ना भूले। मिसल पाव, मिसल पाव, मिसल पाव।